अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। अभी हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कर लिया है और अभी हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? जनरल रूल्स, ठीक है। और उसमें हमने क्या क्या चेंज किया था? चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इनटू दैट, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ टेंस वर्ब, चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। लेकिन अभी ये वाले जो वीडियो है वो हम लोग स्पेशल रूल्स की तरफ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा वो रह गया था, लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दो वीडियोस बना ली। एक तो मैं फुल वीडियोस भी अपलोड करूंगी, सारे टेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इकट्ठी भी, सारे रूल जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स दोनों, और एक जो है ना मैं दोनों अलग अलग डालूंगी, ठीक है, ताकि जिसको जिसमें प्रॉब्लम हो वो उसी को देख ले, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्पेशल रूल्स की तरफ। पर जी कुछ सम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी कंजक्शन टू बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग जब ये जो डायरेक्ट में सेंटेंसेस हमारे होंगे अकॉर्डिंग टू दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो हमारे जब हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी, ठीक है, हम लोग इसमें इस बात का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं जी इसमें क्या, असर्टिव में हम लोग कौन सी इन्वर्टेड कॉमास या डैट यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव में इफ़, वेदर, क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एट से बनने वाले, इंपेरेटिव डैट टू, ऑब्जेक्टिव की जगह भी डैट और एक्सक्लेमेटरी की जगह भी डैट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जब इनको एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस में सिंपल नेगेटिव आ जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच देखें, शी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, तो इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे शी सेज डैट, ठीक है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। अब ये सिंपल है ना, तो हम इनको सिंपली टेंस के अकॉर्डिंग और प्रोनाउंस चेंज करके बनाएंगे। अपने टेंस कैसे चेंज करना है, प्रोनाउंस कैसे चेंज करना है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, ही सेड डैट द अर्थ इज़ राउंड। अब यहाँ पे द अर्थ इज़ राउंड, इसका ये प्रेजेंट टेंस में ना, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ वाली जो बात होगी ना, द अर्थ इज़ राउंड, तो जो ज़मीन है वो तो गोल ही है, वो तो कभी भी जो है ना वो किसी और टाइप की नहीं ना हो सकती, किसी और शेप में। तो अगर ये लिखा था ही सेड डैट अल्लाह इज़ वन, तो यहाँ पे फिर भी यही आना था ही सेड डैट अल्लाह इज़ वन, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है ना, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा उसके सेंटेंसेज एज इट इज़ आएंगे, उनका कोई टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड, हु, वाई, हु, इसमें डायरेक्ट देखें ही सेड टू मी, डिड यू लैंड मी योर बुक, ये देखें क्वेश्चन मार्क है आगे। इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी में, इंट्रोगेटिव बनाते हुए। डिड यू, अब आपने पीछे वाला अगर आपको जो डायग्राम देखें तो हम लोग जब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लोग वेदर या इफ़ लगाते हैं, वेदर या इफ़। डिड यू लैंड मी योर बुक, तो आई हैव लैंड हिम माई बुक। अब आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है ना, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज करेंगे, आई हैव लेंट हिम माई बुक, और प्रोनाउंस चेंज करेंगे और टेंस चेंज करेंगे। रीदा सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, यू इधर लिखना भूल गई हूँ मैं भी। इनडायरेक्ट रीदा आस्क्ड मी, सेड टू चेंज इन टू आस्क्ड मी Why I was happy, why are you happy लिखना था, you जो है ना वो according to जो है ना इसके pronoun reported speech के object के according change होगा, तो you change into I, ठीक है, me का I आ जाएगा, I was happy, अब यहाँ पे present progressive है तो ये past progressive में change हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके special rule समझने के लिए पहले आपको general rule समझने पड़ेंगे। रिदा ask me why I was happy, ठीक है। उस मज़ीद इसकी जो है ना एक्सरसाइज देखने के लिए आप गूगल देखें। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ये इसमें रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है, फॉरबिड एंड सजेस्टेड। आप डायरेक्ट देखें शी सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर किया हुआ है कि जाओ मेरे लिए ग्लास पानी का लेके आओ। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड टू मी किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, कि शी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह ऑर्डर आ गया, ठीक है। द डॉक्टर सेड टू मी अवॉइड अनहेल्दी फूड्स, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते हुए द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड्स, ठीक है, अवॉइड अनहेल्दी फूड्स।
सेट टू की जगह एडवाइज आ गया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है ना. शी सेट टू मी प्लीज हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ है और उसके बाद क्या है, हमने ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेट टू मी की जगह हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया. डैट का यूज़ नहीं किया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये नहीं यूज़ करते. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. स्टेट ऑफ सॉरो, जॉय और वंडर, जब हम लोग खुशी का इजहार और या फिर गमी का इजहार करते हैं या बहुत हैरानगी का. इसमें डायरेक्ट सेंटेंस देखें, दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच. अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अब सेड और इनवर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच. ठीक है, वी किसके मुताबिक चेंज हुआ, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारे जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो दे का दे ही आएगा, वी दे में चेंज हो जाएगा. सॉरी, दे हैड वॉन द मैच. He said, "Alas, I failed the exam." He exclaimed with sorrow. गम का मौका है ना, that he had failed the exam. I failed. Present simple past था और ये past perfect में change हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमने said, ask, told, tells वगैरह की जगह पे हम लोग अपने इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है ना अपने रिपोर्टेड वर्ब्स यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इसमें हमारे पास विश, प्रे, कर्स, ब्लेस वगैरह का जो है ना इसमें इन सेंटेंसेस में जिक्र होता है. मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू. इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें, मदर प्रे डैट गॉड माइट ब्लेस मी. ठीक है, मे माइट में चेंज होता है ना, जनरल रूल्स में पढ़ा था. इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, ही सेड मे ही सोल रेस्ट इन पीस. तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही प्रे डैट ही सोल माइट रेस्ट इन पीस. ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, प्रे, कर्स, ब्लेस ये इनका यूज़ होगा सेट टू की जगह टेल्स और टोल्ड और ये वाले जो अगर आएंगे ना. ये मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ. असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब की जगह टेल, टेल्स, टोल्ड आएगा. इंट्रोगेटिव में आस्क, आस्क, आस्क में चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद इंपेरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड वगैरह में चेंज हो जाएगा. उसके बाद इंपेरेटिव जो है वो प्रपोज, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, विश्ड इसमें चेंज होंगे. उसके बाद ऑप्टेटिव विश्ड, प्रेड, कर्स, ब्लेस, एक्सक्लेमेटरी जो नेक्स्ट क्लेम्ड विद यानी इसमें चेंज होंगे जैसे कि मैंने सेंटेंसेस में यूज़ किए हैं. ठीक है, ये आपने याद रखने हैं. रिपोर्टेड वर्ब्स यानी सेड, टेल, टेल्स ये जो है ना ये वाले इनमें चेंज हो जाएंगे. उसके बाद जी होप सो आपको इन सब की समझ आ गई होगी. इस वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको हमने जो है ना वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया. जो पहली वाली वीडियो है उसमें इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज किया. पहली वाली वीडियो नहीं बल्कि इसी को ही मर्ज करके मैं दोबारा से ये पूरी इसमें डालने वाली हूँ. आपको जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.